Hey guys, welcome back to the channel again. I hope आप सभी अच्छे होंगे और क्रिकेट खेल रहे होंगे. जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने कुछ न्यू शूज बाय करे हैं और व्लॉग नंबर 84 में मैंने बोला था अगर इस व्लॉग में 10,000 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो भाई मैं अपने पुराने शूज से लेके नए लेटेस्ट शूज तक सबकी अनबॉक्सिंग कर दूंगा और सारे क्रिकेट शूज आप सभी को दिखाऊंगा. तो भाई आप सभी ने 10,000 कमेंट्स एक ही हफ्ते में पूरे करा दिए, मैंने बोला और आप सब ने किया. तो भाई ये वीडियो आप सभी के लिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना. भाई ये वाला शू तो मैंने खुद ने नहीं देखा है, इसको अनबॉक्स भी करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताना आप कौन सा क्रिकेट शूज इस्तेमाल करते हो. और अगर इस वीडियो पे 30,000 लाइक्स पूरे हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो एक सरप्राइज गिव अवे के ऊपर मैं लेके आ जाऊंगा. तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बिना मत जाना चैनल को. बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो. तो भाई आप शुरू करते हैं सबसे पहले क्रिकेट शू के साथ और आज भाई पूरे प्रोफेशनल तरीके से तुम्हारा भाई करने वाला है अनबॉक्सिंग. हमारे पास वेइंग स्केल भी है, इस पे वेट भी करेंगे शूज की और मैं अपना पर्सनल सजेशन भी दूंगा कि क्या वो जूता लेना चाहिए या फिर नहीं. अब बिना टाइम वेस्ट करे पहला शूज आन दो. लो भाई पहले शूज हमारे पास आ चुके हैं एडिडास के क्री हेस 2 SS19 इनका नाम है और भाई ये मैंने 2019 में बाय करे थे. इनको काफी मैंने पहना है, यही मेरे बैटिंग शूट और यही मेरे फील्डिंग के थे क्योंकि उस टाइम पे मैं विकेट कीपिंग नहीं करता था. तो 2-3 साल मैंने बढ़िया इनको अच्छे से पहना है और इनकी आप हालत भी देख पा रहे होंगे. ये देखो भाई ये साइड से थोड़े खराब हो चुके हैं और इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि भाई इसका जो ये रबर है ना, ये इनके बहुत टाइम चलते नहीं है, ये घिस जाते हैं और ये टूट भी जाते हैं. और इनका प्राइस मैं आप सभी को बता देता हूं, ये मैंने लिए थे 2,800 रुपए के, मतलब 2,800. ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे और मम्मी से भाई बहुत ही जिद करी थी और मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत चलता था ये वाला शू उस टाइम पे, तो इसीलिए मैंने ये बाय करे थे. बाकी अगर आप बिगनर हो, अभी क्रिकेट की शुरुआत कर रहे हो तो आप बिल्कुल इस शूज के साथ जा सकते हो. अब हम इसको वेट करके देखते हैं दोनों शूज का वेट कितना है. वेइंग स्केल हमने ऑन कर दिया, यहां पे जीरो नजर आ रहा होगा और अब इन दोनों जूतों को हम रख देते हैं. ये लो भाई दोनों शूज का वेट है 650 ग्राम इन दोनों का वेट है. तो डेफिनेटली अगर आप बिगनर हो तो बाय कर सकते हो. अब चलते हैं अपने दूसरे क्रिकेट शूज पर. एक क्रिकेटर की जिंदगी में पहला क्रिकेट स्पाइक, भाई वो दिन कोई भी नहीं भूलता है. और ये शूज आन दो. और भाई ये शूज जिस दिन मैंने खरीदे थे ना भाई, सही बता रहा हूँ, डब्बे में पैक करके साइड में, मतलब जो आपके बेड के साइड में कोई जगह होती है ना, वहां पे रख के मैं सोया था इनके साथ. और उस टाइम पे क्रेज बहुत होता था यार, नए जूते, कोई भी नए इक्विपमेंट्स, पैट बॉल. भाई अगर आप सभी को भी ऐसे फीलिंग आती है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना. ये है SG एक्सट्रीम 4.0 और उस टाइम पे मतलब बजट मेरा लो ही था और ये 2019 की मैं बात कर रहा हूँ. 2019 में मैंने एक तो आपको दिखा दिया सबसे पहले एडिडास के शूज, उसके बाद फील्डिंग में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, स्लिप होता था, तो यार इंजरीज और ये इन सब से बचने के लिए ये क्रिकेट स्पाइक्स बाय कर लिए थे. 2019 के एंड की बात है और मम्मी के साथ गया था मैं, सिक्स एंड आउट स्पोर्ट्स उस शॉप का नाम है, वहां से मैंने ये बाय करे थे और इनका प्राइस कुछ मेरे को पड़ा था 2400 के आसपास उस टाइम पे ये पड़े थे मुझे. आगे का मटेरियल ऐसा होएगा तो जब भी आपके पैर ऐसे मुड़ेंगे तो इसकी वजह से क्रीजेस और ये फटने लग जाते हैं यहां से. और इसके स्पाइक्स का पैटर्न मैं आप सभी को बताऊं तो 7-4 का पैटर्न है, मतलब 7 नेल्स आगे हैं और 4 पीछे हैं. थोड़े टाइम के बाद अगर आप इनकी अच्छे से केयर नहीं करते हो तो इनके यहाँ पे जंग और ये सब लगने लग जाते हैं. तो ये मैंने स्टार्टिंग में तो काफी रेगुलरली साफ करे थे बट हर एक दिन प्रैक्टिस होती थी, मैचेस होते थे तो टाइम ही नहीं लग पाता, तो फिर ये ऐसे हो गए, इनकी हालत ऐसी हो गई. और अभी तक जो मैं क्रिकेट स्पाइक्स यूज कर रहा था वो यही थे, इन्हीं दोनों को मैं पहन रहा था. और अब जो मैंने नए क्रिकेट स्पाइक्स खरीदे हैं वो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्रिकेट स्पाइक्स और क्रिकेट स्टड्स दोनों दिखाने वाला हूं. और अगर आपका भी भाई मेरी तरह बजट टाइट है, अगर आप एक लो बजट क्रिकेट स्पाइक्स ढूंढ रहे हो तो भाई आप SG कंपनी के साथ बिल्कुल जा सकते हो. मैंने काफी टाइम ये चलाया, बस वो है कि एक कंडीशन है, ये थोड़े टाइम के बाद खुल गए, यहां से आप देख सकते हो ये सब क्रीजेस और ये सब थोड़ा खुल गई. इसके खुलने की वजह से मेरे को 2 सॉक्स पहननी पड़ी ताकि भाई अच्छे से मेरे पैर में ये फंसे रहे और टिके रहे और अच्छी ग्रिप मुझे फील्ड पर मिले. तो अब इन दोनों
दोनों का मैं आपको वेट भी करके बता देता हूँ वेट कितना है। लो भाई मशीन हमने कर ली है ऑन और इन दोनों को रख देते हैं ऐसे बिल्कुल। 867 ग्राम्स इन दोनों का वेट है तो काफी सही है ये वाले भाई, यूज कर सकते हो, बजट फ्रेंडली है। तो अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट शूज पर। अब भाई जो मैं नेक्स्ट दो शूज दिखाने वाला हूँ वो भाई जब क्रिकेट कार्डियो के 5000 सब्सक्राइबर्स हुए थे जून 2021 में, उस टाइम पर मैं एक गिव अवे करना चाहता था और उस गिव अवे के लिए मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ बातचीत करी थी। तो SG के साथ मेरी फाइनली बात फाइनल हुई थी और उसके बाद मैंने उनकी फैक्ट्री भी विजिट करी थी अगस्त 2021 में। आपका यहाँ पे आई बटन पे लिंक भी आ रहा होगा, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो, हमारा सबसे पहला व्लॉग वही था। तो जब SG ने मुझे ये दो शूज प्रोवाइड कराए थे तो अब दिखाता हूं मैं आपको ये दोनों शूज। ये आ चुका है हमारे पास पहला शू और दूसरा शू ये रहा। तुम्हारे भाई की कैचिंग एक नंबर है। तो भाई इनमें से एक तो रबर स्टड्स हैं, एक है स्पाइक्स। तो सबसे पहले चलते हैं स्टड्स के ऊपर। देख लो भाई पैकेज ये रहा हमारे पास और इस पैकेज को खोलते हैं, तुम्हारे भाई ने पैकिंग वैकिंग कर दी थी। और ये वाले शूज अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बताऊंगा क्या रीजन है। इनको बाहर निकाल लेता हूँ एक बार बॉक्स से। ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया और इसके बाद कर देते हैं डब्बा बंद। कुछ नहीं है डब्बे के अंदर, बस पॉलिथिन है। और ये डब्बा है SG की तरफ से, इसको रख देते हैं यहाँ पे साइड में। ये है SG के स्कोरर 4.0 शू और भाई ये SG की तरफ से 1200 के प्राइस रेंज में आते हैं और लो बजट है, बट यार मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। 3 से 4 महीने मैंने इनको यूज करा था। इनका एक तो भाई ये सोल मैं आपको दिखा देता हूं, सोल क्लोजअप में आपको नजर आएगा। ये देखो यहां से चिपका रखा है मैंने, ये यहां से बहुत जल्दी निकल गया था। क्वालिटी में मजे नहीं आए, जो भी है जेन्युइन बता रहा हूं। और अब इनका वेट करते हैं, ये है 637 ग्राम। तो अब चलते हैं SG के स्पाइक्स के ऊपर। भाई SG की तरफ से सैवेज स्पाइक्स इसका नाम है। इस डब्बे के अंदर मैं आप सभी को दिखा देता हूं भाई, ये वाले जो SG के स्पाइक्स है ना, ये मैंने यूज ही नहीं करे हैं, ये अनटच्ड हैं। आप सभी लोग देख सकते हो, इनका यूज मैंने इसीलिए नहीं करा है क्योंकि भाई जो मेरे पुराने SG वाले थे वो भी ऑलमोस्ट सेम ही थे। इसके साथ देखो चाबी और है, ये रही चाबी, इसकी की आती है ताकि आप ये टाइट और ये सब कर पाओ। और अब देख लो भाई लुक कैसा है SG सैवेज का, देख लो। ये भी 7-4 के कॉम्बो में आता है, 7-4 ये कॉम्बोज होते हैं अलग अलग, कभी कभी 7-2 होता है विकेट कीपर्स के लिए। जनरली 7 स्पाइक्स आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अंदर से भाई इनकी पॉलिथिन और ये सब भी निकाल रखी। ये वाला शू भाई बिगनर के लिए बिल्कुल मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि मेरे वो वाला मैंने कम से कम 2-3 साल अगर मैंने पहना था तो हाँ अच्छे चल जाएंगे, बिगनर के लिए अच्छे शूज हैं। अगर आपका ज्यादा बजट भी नहीं है तो आप बिल्कुल इनको खरीद सकते हो। और हाँ शायद मैं इनका गिव अवे कर दूं, 30,000 लाइक्स इस वीडियो पर अगर हो जाते हैं तो आप में से किसी एक को शायद ये शू मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो गिव अवे के ऊपर बनेगी तो भाई उसमें पता चल जाएगा। तो भाई ये आते हैं 2500 की प्राइस रेंज में। अब इनका वेट करके देखते हैं इनका वेट कितना होता है। सबसे पहले तो अंदर का इनका ये निकाल लेता हूं मैं क्योंकि फिर हैवी ज्यादा हो जाएंगे। तो इन दोनों की एक बार बाहर निकाल लेते हैं, निकल क्यों नहीं रहा। ये है भाई 832 ग्राम्स के शू, 2400 के प्राइस रेंज में, तो भाई कुछ ही लिमिटेड शूज आते हैं, तो यस यू कैन गो फॉर इट। तो अब नेक्स्ट शू मैंने लिए थे दिसंबर 2021 में, ये है न्यू बैलेंस के CK4020 इनका नाम है। ये देख लो भाई क्लोजअप से आप सबको नजर आ रहा होगा, ये रहा ये रहा। बाकी बी रोल भी चला दूंगा यार मैं। न्यू बैलेंस की एक तो बात है, ये वाले नीचे के जो रबर स्टड्स हैं ये घिसे भी नहीं है और टूटे भी नहीं है और अभी तक भी अच्छी ये प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड पर। विकेट कीपिंग करनी मैंने स्टार्ट कर दी थी तो इसकी वजह से भाई ये जो राइट वाला है ना पैर, यहाँ से तो खराब हो चुका है ये जूता, बस इसमें यही एक कमी थी भाई और ये यहाँ से निकल गया था। ये तो मैंने चिपका रखा है अभी। क्या हुआ था, मैं विकेट कीपिंग कर रहा था और मैंने जैसे ही स्टंप के लिए ऐसे आपका पैर जब ड्रैग करता है ना तो उस ड्रैग में ये अलग अलग हो गया था और उस टाइम पे फिर मैंने कैसे ना कैसे जुगाड़ करके मैच खेला था उस टाइम पे तो। बट उसके बाद मैंने चिपकाया जूता, फिर एक बार और बैटिंग करते हुए शायद ये निकल आया था और उसके बाद दोबारा चिपकाया और अभी तो बस वीडियो में दिखाने के लिए चिपका रखा है। अगर आप विकेट कीपर हो तो भाई मत लेना ये वाले, अगर आपको सिर्फ बैटिंग करनी है बिल्कुल डेफिनेटली ये वाले ले सकते हो। ये मैंने कुछ 4000 के आसपास प्राइस रेंज थे। तो अब करते हैं इनका वेट और जो भी हमने एडिडास वाले अभी सबसे पहले करे थे उनका 650 के आसपास वेट था और उसके बाद जो SG वाले हमने करे थे उनका 637-635 कुछ वेट था। अब क्या ये हैवी है या फिर उनसे लाइट है, ये भाई थोड़े से हैवी है उनसे, 656 ग्राम इनका वेट जा रहा है। अभी तक तो बस यार मैं पुराने जूते बता रहा था, अब शुरू करते हैं हम अपने नए क्रिकेट शूज की अनबॉक्सिंग जिसके लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। दीदी अभी स्पाइक्स दिखाऊं या स्टड्स दिखाऊं? स्पाइक्स
चलो भाई स्पाइक्स दिखाते हैं, और स्पाइक्स तो मैं यूज भी कर चुका हूँ, दो तीन बार मैं पहन चुका हूँ, तो यस अब चलते हैं सीधा स्पाइक्स पर। तो भाइयों अब वो टाइम आ चुका है तुम्हारा भाई क्रिक बर्नर बन जाए। तो भाई ये रहे हमारे क्रिकेट के स्पाइक्स जो हमने अभी रिसेंटली बाय करे हैं भाई। ओ कहाँ से खुलेंगे? ये थे भाई जो आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे थे। तो डब्बा तो ऐसे ही है बस टिका हुआ है। ये निकाल लिया हमने अपने शूज है तेरीन। और इसका कॉम्बो मैं आप सभी को दिखाऊं तो भाई 7-2 का कॉम्बो है, और ये जनरली विकेट कीपर्स के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि भाई आप जब क्राउच पोजीशन में होते हो तो आपके सामने की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, पीछे की इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि हील आपकी हवा में ही रहेगी, आपको बस इसमें अच्छी पकड़ चाहिए ग्राउंड में। तो इसीलिए 7 और पीछे 2। आप सभी सोच रहे होंगे यार पीछे में तो स्पाइक्स है ही नहीं, बट ये वाले क्या है, ये देखो स्पाइक्स इसके अंदर मैंने रख लिए हैं, ये रहे, और ये रबर स्टड्स दिए थे भैया ने वो मैंने लगा लिए दोनों पीछे रबर स्टड्स, ये रहे ये रहे। आपको सही में बताऊं तो एक स्पाइक तो मेरा ऑलरेडी गुम भी हो चुका है भाई, प्रैक्टिस सेशन करने गया था मैं। एक सजेशन ये भी आप सभी को दूंगा कि भाई अच्छे से टाइट करके, ये की इसके साथ मिलती है, ये रही की, इसको अच्छे से पूरा टाइट करके हर एक प्रैक्टिस सेशन या फिर मैच से पहले टाइट करके बिल्कुल जरूर जाना। मैंने तो गलती कर दी है, एक स्पाइक गुम हो गया है, मेरे पास 3 ही एक्स्ट्रा है। ये शू मैंने अभी लिया था 6&Out से, और इसका कुछ प्राइस 9500 MRP रहती है, और 7500 के आसपास मुझे ये पड़ गया था। वही है ना, वन टाइम खर्चा है, अब 2-3 साल में इसको बढ़िया आराम से इसी के साथ खेलने वाला हूँ। एक चीज और बेस्ट बात मैं आप सबको इनका बताऊं, आगे का काफी ज्यादा तगड़ा है। अगर आप बड़े मैचेस खेलते हो तो भाई यॉर्कर्स बहुत तगड़ी यॉर्कर आती है, अगर आप उसमें नॉर्मल जूता यूज करोगे तो भाई थंब का एरिया है, उंगलियां हैं वहां पे लग सकती है। तो ये बहुत ही तगड़ा है, टफ मटेरियल से बना हुआ है। और इसमें एक बात और मेरे को बहुत अच्छी लगी कि भाई इस जूते में कभी भी क्रीजेस बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सामने का ना थोड़ा मतलब कपड़ा भी है, थोड़ा रबर भी है, जैसे क्राउच पोजीशन में आपका जूता ऐसे रहने वाला है, तो इसमें यहाँ पे क्रीजेस आएंगे नहीं, बेस्ट बात यही है। एक सजेशन और, कुछ कुछ ब्रांड्स में क्या होता है, आपका जैसे मान लो 7 UK साइज आता है, तो जैसे एडिडास में मेरे को 8 UK लेना पड़ा, एक साइज बड़ा लेने के बाद ही मुझे कंफर्ट महसूस हो रहा था, मेरा यूजुअल साइज है 7 में बहुत टाइट लग रहा था मुझे जूता, और इसी की वजह से एक साइज मुझे बड़ा लेना पड़ा। जब भी आप जूते लो तो भाई अपने ऑफलाइन जाके लेना, उन्हें पहन के देखना और उनको महसूस करना आपको कैसा कंफर्ट फील हो रहा है, फील्ड में 4-4, 5-5 घंटे तक इन्हें ही पहनना है। तो भाई ये थी इस शू की कहानी, अब इसका वेट और कर लेते हैं एक बार हम, 850 grams, ऑलमोस्ट वही जितना SG का आया था वेट 850, और इसका भी उतना ही आया है। अभी 2 spikes और नहीं है तो मतलब 855 के आसपास वेट जा सकता है इसका। आगे के मैचेस में, आगे के व्लॉग्स मेरे जरूर देखना, मैं इनके थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको बताता रहूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट शू पर, जो कि मैंने खुद ने नहीं देखा है और वो फर्स्ट टाइम आज की वीडियो में ही अनबॉक्स होने वाला है, तो चलते हैं सीधा उस शू पर। Are you ready? मैं भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बस वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो के लिए इतना एक्साइटेड तो हूँ बट नहीं यार शूज के लिए ज्यादा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई भी नई चीज आती है क्रिकेट से रिलेटेड तो भाई कौन एक्साइटेड नहीं रहता। तो अब शुरू करते हैं अपने नए जूते की अनबॉक्सिंग। भाई यहाँ पे सामने एड्रेस लिखा हुआ था तो मैंने एक A4 size शीट लगा दी, क्रिकेट कार्डियो लिख दिया उसके ऊपर। भाई इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी और आप में से काफी सारे लोगों ने ये रिप्लाई करा कि भाई ये पूमा के शूज हैं, तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर सही में पूमा है। लोग कह रहे थे पूमा का शू है, लोग कह रहे थे पूमा का शू है, पर ये पूमा का नहीं है। ये है A6। अंदर से दिखा दीजिए, क्लोजअप आ जाइए, क्लोजअप। भाई क्या मस्त लाइट वेट है। ये है A6 का जेल पीक 2 ट्रैक एंड फील्ड शू, और ये मैं तब यूज करूंगा जब किसी विकेट पे स्पाइक्स अलाउड नहीं होंगे, तो उस टाइम बैटिंग के टाइम ये पहन लिया करूंगा। तो न्यू बैलेंस को इनसे रिप्लेस करूंगा। तो ये वाला शूज भाई काफी पसंद आया था मुझे, कलर कॉम्बिनेशन भी बढ़िया लगा था। आप सभी को कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, और इसका वेट भी हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने मंगाया है स्पोर्ट्स दुकान रोहिणी में है। आप सभी को अगर जाना है और वहां पे अगर आपको एडिशनल
डिस्काउंट चाहिए, आप अपने भाई का नाम ले लेना वहां पे। बाकी इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो भाई 6500 इसकी एमआरपी है इस वाले शू की, A6 की। काफी महंगे आते हैं यार, और इस पे आपको 15-20% डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप मेरे नाम से जाओगे तो भाई 20% भैया कर देंगे। और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन मिल जाएंगी दोनों ही दुकानों की, सिक्स एंड आउट की भी और स्पोर्ट्स दुकान की भी। बाकी अब इस शू को मैं पहन के भी देखूंगा, उससे पहले इस शू का हम वेट कर लेते हैं। 660 ग्राम, 10 ग्राम महंगे भाई हमारे न्यू बैलेंस वालों से। चलो भाई अब इनको ट्राई करके देखते हैं। ओ अच्छी फिटिंग है यार, काफी कंफर्टेबल लग रहा है अभी तक तो, एक बार चल के भी देखेंगे। वो उसकी तरह करूं स्टोर पे करता है। कंफर्टेबल है यार, पैसा ज़्यादा लेते हैं बट हाँ कंफर्ट बढ़िया है, मज़े आ रहे हैं। ग्राउंड में पहन के देखेंगे। और इसका भी सामने ये देखो, सामने ना इसके यहाँ पे रबर नहीं है, थोड़ा कपड़ा और रबर मिक्स है, तो इसके भी ये देखो एक क्रीजेज यहाँ पे साइड में बन सकती है इस वाली जगह पे, पर यहाँ पे सामने नहीं बनेगी। तो यस कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई ये सारे शूज़ आपके भाई के पास हैं, और अभी रिसेंटली हमने ये और ये दोनों नए शूज़ लिए हैं। और आई होप आपको आज हमारी ये अनबॉक्सिंग की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और ऐसे अनबॉक्सिंग की वीडियोस चाहिए, जैसे ड्रेसेस की अनबॉक्सिंग, कोई मेरे नए बैट्स की अनबॉक्सिंग, तो भाई कॉमेंट करे बिना मत जाना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 30,000 लाइक्स। अगर ये टारगेट पूरा हो जाता है तो भाई नेक्स्ट वीडियो सरप्राइज गिव अवे के ऊपर होने वाली है। तो गिव अवे किस किस को चाहिए? 30,000 लाइक्स इजी टारगेट यार, 10,000 कमेंट्स तुम लोगों ने पूरे करा दिए, 30,000 लाइक तो तुम्हारा चुटकी का काम होना चाहिए। आप सभी को मिलेंगे एक और नई वीडियो या फिर ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए एज ऑलवेज, टेक केयर। और हाँ, मेहनत करे बिना किसी की नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी कोट के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए एज ऑलवेज, टेक केयर। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।